घर से एक महिला जब बाहर निकलती है तो उसके परिवार को ये उम्मीद होती है कि वो महिला सकुशल पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर वापस आएगी। लेकिन दिल्ली में 31 सितंबर को जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर महिला सुरक्षा के दावों की पूरी तरीके से पोल खुल गई है। क्या कहती है महिलाएं, अब किस तरीके से सोचती है, क्या है नजरिया, उनका जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर सरकार किस तरीके से सख्त रुख अपना रही है वो देखने वाली बात है। नोएडा में मौजूद है और साफ हो पाए, बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, नोएडा और NCR में आता है, तो अक्सर अमूमन महिलाएं NCR में ट्रेवल करती हैं जॉब को लेकर, काम को लेकर। क्या कुछ कहना है महिलाओं का, आइए एक बार जानते हैं उनसे। ये सुरक्षित ऐसा क्यों लगता है कि लगातार वारदात हो रही है इसकी वजह से? इसी वजह से आंटी आप क्या कहेंगे, आप तो आपकी बेटी निकलती होंगी बाहर, डर लगता है? हाँ डर लगता है, क्यों नहीं लगता है, डर से लगता है, डर तो लगता है कि जो सेफ्टी नहीं होगी बच्चों की, तो डर तो लगता है। मगर क्या करें, करना पड़ता है, भेजना पड़ता है बच्चों को, ऐसा अगर सेफ्टी नहीं होती तो चिंता भी लगी रहती है, जब तक बच्चा घर नहीं आता जब तक चिंता लगी रहती। दिल्ली में जिस तरीके से एक लड़की के साथ 31 सितंबर की रात को ये घटना हुई, वो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ। जाहिर से किसी ने तो देखा होगा उसको, पर जिसने हेल्प नहीं करी है उसकी गलती है, बहुत ज्यादा गलती है। अगर कभी भी कहां पे भी ऐसा कोई देखे तो तुरंत उसकी हेल्प करनी चाहिए। पुलिस का जो रवैया रहा वो सही नहीं था, उसकी तरफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी जितनी जल्दी पहुँचना चाहिए, 2 घंटे के बाद पुलिस लगता है पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ वो तो हो जाता है, क्योंकि वो होगी जाहिर से कि गरीब बच्चों को कोई आजकल वो नहीं होता, और इसी जगह पे अगर विधायक की बेटी होती या कोई अफसर की बेटी होती तो तुरंत डिसीजन हो जाता। जाहिर सी बात है, अगर कोई रसूख वाला है तो उस पर एक्शन जल्दी होता है। मैम आप क्या कहेंगे, आप लोग भी बाहर निकलते हो, क्या कहते हैं आप, बाहर ट्रेवल करती है, क्या लगता है सुरक्षा, महिला सुरक्षा के दावे सरकार और प्रशासन करता है लेकिन क्या है सही? 50-50% है, कहीं पे है भी कहीं पे नहीं भी है। दिल्ली में जिस तरीके की वारदात हुई क्या कहेंगे उसको? कह सकते हैं आपकी सेफ्टी तो नहीं है, कल लेट नाइट स्पेशली नहीं है। तो आपको लगता है सरकार को या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ और ठोस कदम उठाने चाहिए? हाँ करना चाहिए, एटलीस्ट एजुकेट करना चाहिए और ज्यादा, जैसे कि वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ चला सके। है दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुई है, नहीं लगता दिल्ली में जो घटना हुई है आपको क्या लगता है कि उसमें किसकी गलती किसकी है? उसने क्लियर की मैं जॉब करके आ रही हूँ, उसने मैसेज दिया पूरा कि मम्मी मैं लेट हो जाऊंगी, सुबह मैं आऊंगी मॉर्निंग में, लेकिन क्या करें गलती लड़का की। पुलिस और प्रशासन की कोई वो लगता है कमी की इस तरीके से? अगर वो पुलिस प्रशासन टाइम पे क्यों नहीं पहुँची, पुलिस प्रशासन को भी तो देखना है कि किसी बहन बेटी का मैटर हो रहा है तो उन्हें भी तो ये सोचना चाहिए कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, टाइम से आना चाहिए। एक बंदा है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से कि उसका रेप हो रहा है या जो भी एक्सपाइज है, लेकिन उसे ये भी तो पता चलना चाहिए उसने फोन क्या है बेचारे ने 3-4 बजे पुलिस को फोन किया है, कोई टाइम पे PCR कोई भी नहीं आई, दिल्ली में कोई सेफ्टी नहीं है। दिल्ली NCR में महिलाएं सुरक्षित है आपके नजर में? नहीं भाई सोनी नहीं है। नहीं आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए बोलिए, क्या लगता है बेटा आप लोग बता दो, अभी आप लोग आपको लगता है कि दिल्ली सेफ फॉर वीमेन स्पेशली गर्ल्स लगता है, क्यों क्या वजह है? आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे दिल्ली NCR कैसा होना चाहिए आप लोगों के साथ?